assalamu alaikum everyone welcome to vocabgram where you learn english with easy lessons in this lesson i'm going to explain 10 vocabulary words with urdu meaning and sentences these are the words that you often hear and wonder what exactly those words mean so don't worry i'm here for you i'm going to explain them uh, before starting this lesson i have a little request if you haven't subscribed my channel please subscribe it and hit the bell icon uh, so that you get the notification of my all lessons that i upload daily so let's begin with our lesson our first vo uh, vocabulary word is prattle

फजूल किस्म की ऐसी बेतुकी इधर उधर की बातें करते रहते हैं तो वी आर प्रैटलिंग ठीक है और वो जो बेतुकी बातें हैं ना उनके लिए भी आप प्रैटल वर्ड यूज करेंगे और बेतुकी बातें करना इन दोनों के लिए आप प्रैटल वर्ड यूज करेंगे बिकॉज ये एज ए वर्ड भी यूज होता है एज ए नाउन भी यूज होता है जैसे इसके सेंटेंसेज देख लें मैंने दोनों तरह से इसके सेंटेंस बनाए हैं जैसे पहला सेंटेंस है आर स्टॉप योर प्रैटल स्टॉप योर फ्रैटल नाव ठीक है कि अपनी ये जो बतुकी बातें हैं ना इनको अब बंद करो यहाँ पर अब हमने इसको जो है वो एज ए नाउन यूज़ किया है एंड गो टू स्लीप अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना बच्चे बैठे हैं बातें किए जा रहे किए जा रहे हैं तो बड़े बोलते हैं ना कि अच्छा अभी अपनी बतुकी फजूल की बातें बंद करो और सोने के लिए जाओ ठीक है ना जब देर हो जाती है रात को बहुत ज्यादा तो आप तब बच्चों को कह सकते हैं स्टॉप योर प्रैटल नाउ कि अब अपनी ये जो बतुकी किस्म की बातें जो कर रहे हो ना फजूल किस्म की ये बंद करो एंड गो टू स्लीप नाउ कि अब आप सोने के लिए चले जाओ अब अगर आपने इसको एज ए वर्ब यूज करना है तो इसका सेकेंड सेंटेंस है शी फ्रैटल्ड ऑन ऑल द वे ठीक है अब सारे रास्ते कोई इंसान जो है वो बातें करता जा रहा करता जा रहा करता जा रहा बेतु की किस्म की फजूल किस्म की ठीक है कि शी फ्रैटल्ड ऑन कि वो सारे रास्ते जो है ना बस बेतु बाते की बातें करती गई करती गई ठीक है कि बोलती गई बोलती गई सारे रास्ते ठीक है तो उसके लिए फ्रैटल्ड ऑन जो है ना वो यूज किया है हमने एज ए वर्ब यूज़ किया पहला एज ए नाउन यूज़ किया सेकंड हमने एज ए वर्ब यूज़ किया ठीक है अब नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी वर्ड है वो है यूटिक्रस यूटिक्रस इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब है डिजर्विंग टू बी लॉफ्ट एट ठीक है जिसका उर्दू में मीनिंग है मजहक खेज या मजा कोई ऐसी बात कोई ऐसी चीज़ जो आपको बड़ी मजाया लगे मजहका खेज लगे जिसपे जिसको सुन के आपको हंसी आ जाइए क्या फजूल बात है क्या बिथुकी तो सी बात है ठीक है इस तरह की बात को आप लिटिक्रस कहेंगे ठीक है जैसे किसका सेंटेंस है व्हाट आर लिटिक्रस आइडिया यू कम अप यू केम अप विद ठीक है कि कैसा मुजह खेज़ किस्म का कैसा फजूल किस्म का मजाही किस्म का जो ना आइडिया तुम लेके देख कि किसी ने कोई आइडिया लेके आया कोई अब वो आइडिया आपको बहुत फजूल किस्म का लगा ऐसा लगा कि जिसको होता है ना समाइम्स कि आपको हंसी आ जाए कि ये क्या चीज़ है ये क्या बात है ये क्या आइडिया है ऐसी चीज़ को हम उर्दू में बोलते हैं मजहका खेज ऐसी चीज़ जिस पे कि हंसी आ जाए सबको कि इतनी वो फजूल किस्म की हो इतनी बेतुकी किस्म की हो ठीक है तो उसके लिए आप ल्यूडिक्रस वर्ड जो है ना वो यूज़ करते हैं कि वट आर ल्यूडिक्रस आइडिया ये कैसा फजूल किस्म का कैसा मजहका खेज़ किस्म का आइडिया है यू केम विद के जो तुम लेकर आए हो ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो कैबरी वर्ड है वो है अन कहनी अन भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है स्ट्रेंज मिस्टीरियस डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड गैर मामूली जिसको हम उर्दू में कहेंगे ठीक है कोई ऐसा आ, कोई भी इसमें भी आप यूज़ कर सकते किसी की कोई बात किसी का कोई आइडिया किसी का कोई आ, किसी किस्म की भी कोई चीज़ कोई आपने हरकत देखी जो आपको बड़ी स्ट्रेंज लगी बड़ी गैर मामूली से लगी वो नॉर्मल ना हो ठीक है वो बड़ी मिस्टीरियस किस्म की हो जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो आप को, कोई इंसान आपके सामने कोई ऐसा ट्रिक करता है कि जिसको आपको लगे कि आप नॉर्मल जिंदगी में मतलब आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते कोई इस तरह का गैर मामूली किस्म का ट्रिक आपके सामने करेगा आप ये, ये इसने कैसे किया है ये कैसे कर सकता है कोई इंसान ठीक है होता है ना वो अनकैनी होगा वो ट्रिक अनकैनी होगा ठीक है किसी ने कोई इस तरह से जैसे कोई बड़ी डिफिकल्ट किस्म का कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आपके सामने सोल्यूशन उसका बता दिया ठीक है तो वो, वो आपको लगे कि ये इसने कैसे कर लिया आपके लिए डिफिकल्ट हो उसको ठीक है अंडरस्टैंड करना ठीक है जैसे कोई रिडल होती किसी रिडल को आपके सामने सॉल्व करके बता दिया जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बड़ा डिफिकल्ट है तो आप कहेंगे कि ये इसने कैसे सॉल्व कर लिया इसको कैसे समझ में आ गई है? तो उसको आप कहेंगे कि ये बड़ा अनकैनी किस्म का इंसान है कि जिस, जिसमें इतनी एबिलिटी है कि ये इसने इस रिडल को सॉल्व कर लिया है ठीक है समटाइम्स कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं तो उनको आप अनकैनी कहेंगे किसी भी चीज को जो आपको लगे कि जो थोड़ा स्ट्रेंज भी लगे मिस्टीरियस भी लगे जो डिफिकल्ट लगे आपको सर्ट कर जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन ना कि ऐसा हो सकता है और वो हो जाए ठीक है तो उसको आप अनकैनी कहते हैं ठीक है थीके? अब इसमें समटाइम्स ड्राउनी टाइप की भी चीजें हो सकती है जिसमें थोड़ा सा जो चीज़ आपको थोड़ा फ्राइटेंड भी कर दे किसी का रवैया बड़ा गैर मामूली सा लगे ठीक है तो अनकैनी हमेशा ऐसी चीज के लिए होता है कि जिसको हम आम जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है अंडरस्टैंड करना किसी किसी की सलाहियत हो सकती है एबिलिटी हो सकती है होता है ना ठीक है अच्छा अब इसका सेंटेंस जैसे इट इज अनकैनी हाउ शी न्यू वट आई वज थिंकिंग कहते हैं कि बड़ी अजीब सी बात है कि उसको कैसे पता लग गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ अब देखिए ये नॉर्मल नहीं है चीज़ को कोई इंसान क्या सोच रहा है अब हम लोगों को नहीं मालूम है लेकिन अगर कोई इंसान समझ जाए कि तुम इस वक्त ये बात सोच रहे हो तो ये अन है क्योंकि ये गैर गैरमूली है ये नॉर्मल बात नहीं है ठीक है किसी इंसान के अंदर ये एबिलिटी होना कि वो दूसरे इंसान की वो क्या सोच रहा है उसकी सोच तक पहुँच जाना ठीक है ये नॉर्मल चीज़ नहीं है ये बड़ी गैर गैरमूली सी चीज़ है तो ये अन है ठीक है आई होप कैन कैनी का, का मतलब समझ में आ गया अच्छा जी हमारा नेक्स्ट जो वो वर्ड है वो है असिस्ट असिस्ट जो है वो वर्ब है और इसका मतलब टू हेल्प मदद करना किसी को ठीक है टू असिस्ट सम मीन्स कि आप किसी को मदद कर रहे हैं इसको आप इस तरह से समझ ले कि असिस्टेंट हम कितना कॉमन वर्ड है ना जो हम सुनते हैं कि ये मेरा असिस्टेंट है वो असिस्टेंट कौन होता है वो मदद करने वाला होता है जैसे कि आप देखिएगा कि ऑफिस वगैरह में होते हैं ना असिस्टेंट्स होते हैं कि ये मेरा असिस्टेंट है ये ये मुझे यहाँ पर असिस्ट करता है ठीक है थीके? मतलब कि वो मेरा मददगार है जो मेरा इस काम में मुझे मदद करता है ये ठीक है थीके? उसका मददगार है उसको मदद कर रहा है उसको असिस्ट कर रहा है आ, मैनेजर को तो वो इस वजह से वो असिस्टेंट मैनेजर है ठीक है समझ आकर यहां से का मतलब होता है मददगार मदद करने वाला इंसान ठीक है जो हेल्प करता है उस काम में और टू असिस्ट का मतलब क्योंकि असिस्ट जो है वो वर्ब है कि ये मदद करना किसी की ठीक है तो इसको आप देखें इस तरह से है इन माई ऑफिस वर्क ठीक है कि मेरे ऑफिस के काम में वो मुझे असिस्ट करती है ठीक है मेरी मदद करती है अब सेकंड मैंने इसको बनाया है एज ए नाउन ठीक है कि आई डोंट नीड योर असिस्टेंस के मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर आप हेल्प भी बोल सकते हैं ठीक है कि आई डोंट नीड योर हेल्प के मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है लेकिन आई डोंट नीड योर असिस्टेंस मुझे तुम्हारी मदद असिस्टेंस uh, की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है असिस्टेंस और असिस्टेंट जो वर्ड है ये ज़्यादातर ऑफिस uh, वगैरह में यूज़ होता है हम हाँ, नॉर्मल जिंदगी में एज as, असिस्ट uh, को और या असिस्टेंस को जो है ना एज ए वर्ब और नाउन जब हमने यूज़ करना होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी Next, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है फोर्ट फोर्ट इज ए नाउन इट अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी दैट समवन कैन डू द बेस्ट ठीक है खासा जिसको हम उर्दू में बोलते हैं इसका उर्दू का मतलब होगा इसको समझ लीजिए जिनको उर्दू नहीं आती उन लोगों के लिए किसी इंसान के अंदर कोई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई अबिलिटी हो कोई खासियत हो ठीक है कोई उसमें काबिलियत हो जो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कर सकता है तो वो उस इंसान का फोर्ट कहलाएगा जैसे किसी खातून के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है ठीक है तो आप कहेंगे कि कुकिंग उसका फोर्ट है ठीक है कुकिंग इज़ हर फोर्ट कि कुकिंग एक ऐसी एबिलिटी है एक ऐसी उसके पास क्वालिटी है कि जो वो सबसे बेस्ट करती है जैसे कोई इंसान डिजाइनिंग बहुत अच्छी करता हो तो डिज़ाइनिंग उस इंसान का फोर्ट हो सकता है इसी तरह से कोई इंसान सिंगर बहुत अच्छा हो तो सिंगिंग उसका का फोर्ट हो सकता है कि सिंगिंग जो है ना वो चूँकि ये एक कोई एक ख़ास एबिलिटी किसी इंसान के अंदर जो वो बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा अच्छा करता हो ना तो वो उस इंसान का फोर्ट होता है और उसको हम उर्दू में उस इंसान का खासा कहते हैं ये उसका खासा है जैसे किसी इंसान के, के पास कोई राइटिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो होंकि वो राइटिंग बहुत अच्छी करता हो तो वो इंसान का फोर्ट होगा उसकी राइटिंग ठीक है कि राइटिंग इज़ दैट परसन फोर्ट ठीक है कि वो उस इंसान का ख़ासा है वो उसकी ख़ास काबिलियत है ख़ास क्वालिटी है उस इंसान के अंदर जो बाकी उस उस है उसमें सबसे बेस्ट है ठीक है तो वो उस इंसान का फोर्ट होगा अब जैसे कि इसका सेंटेंस है प्लेइंग विद वर्ड्स इज़ हिज फोर्ट नो वन कैन बीट हिम इट एट इट ठीक है कि जो कुछ लोगों के अंदर एक ख़ास एबिलिटी होती है ख़ास क्वालिटी एक खासा होता है कि वो इंसान वर्ड्स के साथ लफ्ज़ों के साथ खेलना उस इंसान को बहुत अच्छा आदाज होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि उनको लफ्जों के साथ खेलना इतना ज़बरदस्त आता है कि जब आप उनके साथ किसी बात पर बहस करने बैठे किसी बात पर भी कम्युनिकेट करने बैठे तो आप उस इंसान को नहीं हरा सकते क्योंकि उसको लफ्सों के साथ खेलते इतने अच्छे तरीके से बहस में हरा देगा ठीक तो है तो ऐसे इंसान को कहेंगे कोई इंसान हरा नहीं सकता है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारा जो वोकैबुलरी वर्ड है वो है बूस्ट बूस्ट का बूस्ट इज अ वर्ब एंड इट मीन टू इंप्रूव और इंक्रीज समथिंग फरोग देना ठीक है उर्दू में इसका मतलब होगा फरोग देना बूस्ट का मतलब है कि किसी चीज़ को आ, को, को इम्प्रूव कर देना बेहतर कर देना या उस चीज़ को बढ़ा देना ठीक है Uh, जैसे कि इसके जैसे मैं सेंटेंसेस आपको बता दी दो सेंटेंस बनाए हुए हैं सेंटेंसेस बनाए हुए जैसे कि पहला है दिस एक्सरसाइज विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कोई एक्सरसाइजेज देखें जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उनको कुछ किस्म की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में या जो आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के जो भी आप अगर कोई शॉर्ट कोर्स ले रहे हैं तो वहाँ पर कराई करवाई जाती हैं आपको ताकि दैट दैट कुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ताकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें या आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सके आपके अंदर खुद एतमादी जो है जिसकी के कमी है पहले से तो ये कुछ एक्सरसाइज करने से आपको कुछ एक्टिविटीज करने से आपके अंदर वो बूस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा पहले से बेहतर होगा पहले से बढ़ेगा वो ठीक है तो फरोग पाएगा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये एक्टिविटीज करने से या एक्सरसाइज करने से ठीक है अब सेकेंड जैसे सेंटेंस है स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन के ऐसा uh, से इकदाम उठाने चाहिए ऐसे इकदाम होने चाहिए जो कि लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको बूस्ट कर सके मतलब उसको फ़र्ग कर सके मतलब उसको बढ़ा सके उसको फैला सके लड़कियों के एजुकेशन को जो है ना वो वो इंक्रीज़ हो सके वो बढ़ सके ठीक है कि बच्चियों की जो एजुकेशन है तालीम है तो उसको फ़रग देने के लिए जो है ना वो इस तरह के इकदाम होने चाहिए ठीक है तो बूस्ट का मतलब है किसी चीज़ को फ़रोग देना किसी चीज़ को इम्प्रूव करना किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारा वो वर्ड है वो है लीनियंट लिनियंट भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है टॉलरेंट एंड फॉरगिविंग, नरम मजाज ठीक है देखिए लीनट वो इंसान होगा जो इंसान दूसरे इंसान की जो गलतियां हैं ना आ, उसको माफ़ कर दे उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस ना ले उनको टॉलरेट कर दे उसको बर्दाश्त कर ले आ, जैसे होता ना कुछ लोग होते हैं जो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं कि वो दूसरों की गलतियों पे फ़ौर उनको सज़ा देते हैं सख्त एक्शन लेते हैं उसका अपोज़िट लीनियन इंसान है कि ऐसा इंसान कि जो सज़ा ना दे ज़्यादातर जो अगर दे भी तो बहुत ही नरम किस्म की सजा दे या एक्शन ले तो बहुत ही नरम किस्म का एक्शन ले ज्यादा जो है वो सख्त ना हो लेकिन ये होता है लीनियंट इंसान जो दूसरे इंसान की गलतियों को उसकी मिस्टेक्स को उसके क्राइम्स को इवन के क्राइम्स के लिए भी ये हो सकता है कि उस पर ज्यादा सख्त एक्शन ना ले तो ऐसा इंसान लीनियंट इंसान है ठीक है जैसे इसका सेंटेंस है द गवर्नमेंट इज बिंग लीनियंट विथ चाइल्ड ट्रैफिकर्स आजकल हमारे मुल्क में ये बहुत मसला हुआ है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत हो रही है बच्चे बहुत किडनैप हो रहे हैं ठीक है तो इसमें आप सेंटेंस ये कह सकते हैं कि द तो गवर्नमेंट इज़ बीइंग लीनियंट कि गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ही नरम हो रही है चाइल्ड uh, ट्रैफिकर्स के साथ कि उनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन नहीं ले रही है उनको पकड़ नहीं रही है उनको सजाएं नहीं दे रही है तो गवर्नमेंट लीनियंट हो रही है या आप यहाँ पर पुलिस भी कह सकते हैं ठीक है लॉफ इनफोर्स लॉ इन्फोर्सिंग जो इन्फोर्समेंट जो होती है हमारे जो अदारे होते हैं ठीक है लॉ को जो इन्फोर्स करते हैं तो वो उनको भी कह सकते हैं कि वो लीनियंट हो रहे हैं इन चाइल्ड ट्रैफिकर्स के साथ कि जो बच्चों की ये जो जो भी ट्रैफिकिंग हो रही है खुदा ना सबको अपने हफ्ज़ामान में रखे आमीन ठीक है तो उनके साथ मतलब कि उनके साथ नरम हो रही है, नहीं ले रही है, जी, वो है, वो है? है, है सख्त नहीं ले ठीक जी, हमारा वो नाउन एंड इट मीन अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन और चीट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो इंसान काबिल नहीं है और वो क्रिमिनल है डिसऑनेस्ट इंसान है ठीक है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ऐसे बदमाश किस्म के इंसान को आप ख्रुक कहेंगे ठीक है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जैसे कुछ चोर हो सकता है जैसे कोई धोखा देने वाला इंसान हो सकता है दूसरों को धोखा देके पैसे वगैरह हथे आने वाला इंसान होता है ठीक है इस तरह के इंसान को या जो भी क्रिमिनल किस्म की जो है ना डिसल किस्म की जो एक्टिविटीज़ है डिसऑनेस्ट किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ठीक है तो ऐसे इंसान को आप कहेंगे इसका सेंटेंस है दिस पॉलिटिशियंस आर बंच ऑफ क्रुक्स कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना हमारे ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं ये बदमाशों को जो है ना वो जत्था है ये हर किस्म की डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और चीटर्स हैं नाकबले एतबार हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते हैं ये लोग मतलब करप्शन भी करते हैं हर किस्म किस तरह की चीज़ें बैकडोर पे चल रही होती हैं लेकिन सामने आके लोगों को धोखा दे रहे होते हैं तो दी, 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 दीज आर क्रुक्स दे आर बंच ऑफ क्रुक्स अच्छा जी नेक्स्ट हमारा जो वोकैबुलरी वर्ड है वो है जस्टिफाई जस्टिफाई इज अ नाउन एंड इट मीन्स टू प्रूव अट अ सेन आइडिया और एक्शन दैट इट इज़ रीजनेबल और नेसेसरी जवाज पेश करना जिसको हम उर्दू में कहेंगे इसका उर्दू का मीनिंग है जवाज पेश करना जस्टिफाई करना किसी चीज़ को इसका मतलब है सॉरी जस्टिफाई नाउन नहीं है ये वर्ड I'm sorry, I'm sorry, है एम सॉरी आई एम सॉरी यहां पे रॉन्ग लिखा हुआ है टू जस्टिफाई का मतलब है ये वर्ब है ठीक है यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिए टू प्रूव अ डिसीजन किसी चीज़ को किसी फैसले को किसी आइडिया को किसी एक्शन को किसी इंसान ने अपने कोई फैसले को अपना कोई काम है उसको अगर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि वो ये बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मैंने किया ना ये जरूरी था करना और ये बिल्कुल ठीक किया है मैंने उसको रीजनेबल था ये इस सिचुएशन में ये सही यही करना बेहतर था ठीक है तो वो अपने उस एक्शन को या अपनी उस डिसीजन को या अपने उस आइडिया को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा मतलब अपने उस काम का ना लोगों के सामने जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि ये मैंने क्यों किया और मेरा ऐसा करना जो था ना बिल्कुल ठीक था इस ये जरूरी था ऐसा करना या ऐसा करना बिल्कुल ठीक था इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता था तो इसका मतलब है कि आप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं दूसरों के सामने आप उसका जवाब पेश कर रहे हैं ठीक है जैसे इसका सेंटेंस है हाउ वुड यू जस्टिफाई लीविंग योर फैमिली ऑल अलोन फॉर दिस लॉन्ग अलॉन् जो है वो अपनी बीवी बच्चों को तनहा छोड़ के और इतने सालों के लिए चला जाए जा एकदम से गायब हो जाए और उसके बीवी बच्चों को बाद में मसला पड़े बहुत मुश्किल पेश आए जिंदगी को मतलब कॉपअप करना जिंदगी के साथ अब वो इंसान बहुत सालों बाद वापस आता है और वो चाहता है कि आप मेरे जो बच्चे हैं ये मेरी जो बीवी है वो मुझे एक्सेप्ट कर ले वापस से तो आप तब उस इंसान से पूछ सकते हैं कि हाउ वुड यू जस्टिफाई कि आप कैसे जवाब पेश करोगे कैसे कहोगे कि आपका इस तरह से अपनी फ़ैमिली को तनहा छोड़ के चले जाना और इतने लंबे अरसे के लिए अचानक से छोड़ के चले जाना जो वो बिल्कुल ठीक था नेसेसरी था उस वक्त रिजनेबल था कि आपके जाने की वजह से आपकी फैमिली ने जो पीछे से सफर किया आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे मतलब कि उसका क्या जवाब पेश करोगे कैसे आप कह सकते हो कि आपका वो एक्शन ठीक था ठीक है तो ये है जस्टिफाई करना अच्छा जी नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है टोमेंटर टोमेंटर इज ए नाउन एंड इट मींस अ पर्सन हु कॉज फिजिकल और मेंटल पेन टू समवन अजियत देने वाला उर्दू में इसका मतलब है ठीक है कोई इंसान जो किसी दूसरे इंसान को या तो फिजिकल पेन दे या मेंटल पेन दे तो अजियत देने वाले इंसान को आप एक टर्मेंटर कहेंगे ठीक है जैसे कि इसका सेंटेंस है इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू फ्रिव हर टॉर्मेंटर कि ये उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने उस टमेंटर को फ्री गिफ्ट कर दे किसी भी किस्म की कोई अजियत दी है उस इंसान ने हो सकता है मेंटली अजियत दी हो या हो सकता फिजिकल अजियत दी हो फिजिकल पेन दी हो ठीक है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपनी उस अजियत देने वाले इंसान को जिसने उसको इतनी तकलीफ पहुंचाई है उसको वो माफ कर दे